हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ में हूं मैं स्टाइल। तो आज मैं एक शैम्पू के रिव्यू के साथ आई हूं और वो है जीवा आयुर्वेद का शैम्पू। और वो मेरी मम्मी ने मुझे रिकमेंड किया था। वो एक्चुअली जीवा का एडवर्टीजमेंट वगैरह आता था ना, तो उसे देखती थी। तो उन्होंने इस शैम्पू को यूज़ किया और उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ। तो मैंने बताया कि मम्मी मेरे हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है और डैंड्रफ भी बहुत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप जीवा आयुर्वेद शैम्पू यूज़ करके देखो। तो मैं इसे 3-4 मंथ्स हो गया यूज़ करते करते मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे फायदा हुआ है इसका, तभी मैंने आपको इसका रिव्यू देना जरूरी समझा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल का बटन है उसे जरूर हिट किया करिए, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे वीडियो कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे। और मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एकदमहीश्वरी65। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आयुर्वेद के शैम्पू की बॉटल, और दो तीन तीन चार तरह के वेरिएंट आते हैं इसमें। नीम आता है, आंवला आता है, एलमंड आता है, ब्लैक पर्ल करके भी आता है। सबके अलग अलग बेनिफिट है, सबके अलग अलग काम है। तो मैंने ये नीम शैम्पू परचेज किया था और ये मुझे 2 के पैक में रिसीव हुआ था। एक मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरा चल रहा है। और इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपीज की है और जो इसका वेट है वो 200 ml का है। और इस तरह की ये व्हाइट कलर की बॉटल है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो जो भी इसमें लिखा हुआ है ना वो ग्रीन कलर से है, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो जीवा आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट है ना वो काफी फायदेमंद होते हैं लोगों के। तो सबसे पहला काम क्या है, नीम क्या है, आपका एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसमें। जो भी आपके स्काल्प वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, डैंड्रफ वगैरह होता है, उसे रिमूव करता है। और जो आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग होती है उसे भी कंट्रोल करता है और आपके हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। प्री मेच्योर ग्रेइंग से मेरा मतलब है कि जब आपके एक एज होती है जिस टाइम पे आपके बाल ग्रे नहीं होने चाहिए, उस टाइम पे अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो इसे ही कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि आप 30+ है, 35+ है, 40+ है और उस टाइम पे आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो उसे ही कंट्रोल करेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके बाल भी ग्रे होना शुरू होंगे। तो प्री मेच्योर ग्रेइंग को ही कंट्रोल करता है, जो आपकी एजिंग के थ्रू एजिंग की वजह से ग्रेइंग हो रही है उसे कंट्रोल नहीं करता। वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होता ही है सबका। तो ये प्री मेच्योर ग्रेइंग को कंट्रोल करता है और आपके हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। तो मैं थोड़े इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो सारे आयुर्वेदिक के इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। इसमें नीम है, रोजमेरी है, तुलसी है, लेमन है, रीठा है, नारियल है और लोबान है, सतलोबान है और सारे नेचुरल फ्रेग्रेंस है। कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं है और 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। एक तरह से मेडिसिन है वो। ये जो शैम्पू है मेनली आपके बालों को नरिश करता है, आपके डैंड्रफ को रिमूव करता है और जो भी आपकी इम्प्योरिटीज होती है ना आपके सिर के स्किन में उसको दूर करता है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। जस्ट इसका एप्लीकेशन ऐसे ही है कि आपको अपने बालों को रिंस करना है वाटर से और जब बाल अच्छे से आपके गीले हो जाएं, हेयर आपके अच्छे से गीले हो जाएं, उसके बाद इसे अप्लाई करना है। और जो भी शैम्पू आप करें हमेशा डाइल्यूट करके उसे शैम्पू करें अपने बालों में। डाइल्यूट करने का मतलब है कि आप थोड़ा सा शैम्पू लेके उसे वाटर में मिक्स करें, उसके बाद ही यूज करें। डायरेक्ट शैम्पू अपने हेयर स्काल्प पे नहीं लगाना चाहिए, तो वो नुकसानदायक होता है। तो सारे शैम्पू के लिए बोल रही हूँ मैं, पर्टिकुलर इस शैम्पू के लिए नहीं बोल रही, सारे ही शैम्पू के लिए बोल रही हूँ कि आप डाइल्यूट करके शैम्पू को यूज किया करिए। और इसका अगर और बेनिफिट लेना है तो आपको इसके कंडीशनर भी आते हैं। मैंने इसके कंडीशनर ट्राई नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मुझे इससे बहुत फायदा हुआ, तो इसलिए मैंने भी इसका कंडीशनर परचेज नहीं किया। आगे मैं और इसके जो वेरिएंट है उन्हें ट्राई करूंगी और फिर उनका भी आपको रिव्यू करूंगी। तो मैं अपनी तरफ से इसे फुली रिकमेंड करती हूँ उन लोगों के लिए जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और जिनके बाल बहुत रफ रफ रहते हैं, नरिशमेंट नहीं रहता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि डैमेज हो गए बाल, उन लोगों को मैं रिकमेंड कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये था पूरा का पूरा रिव्यू। होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर न्यू वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।